हाय गाइस, मेरा नाम मन्ना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप अगर फ्री में आप मोबाइल को रिपेयर करना चाहते हैं, अनलॉक करना चाहते हैं, तो फिर इस वीडियो को आप देखते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में आपको आज जो है मतलब FRP टूल का लिंक देने वाला हूं और वेल्केनो क्रेक का टूल देने वाला हूं। उसके बाद मैं आपको एक JSM फ्लासर का जो है लिंक देने वाला हूं। तो दोस्तों, कई सब्सक्राइबर का कमेंट्स आया था कि हम मेडिकल क्रेक में जो है काम कर रहे हैं और इसमें जो है 9830 जो CPU है वो इसमें वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो है 9830 जो CPU है ये इसमें सपोर्ट नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 9830 CPU का जो है सपोर्ट मेडिकल में बिल्कुल नहीं है। और 9830 को अगर आप फ्लैश करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक टूल दे रहा हूं, JSM फ्लासर, इसे आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है और इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे आप यूज कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्ना ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब से सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जब भी कोई नई वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे, इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो, तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी की सारी जो टूल की जो लिंक है वो उसे मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे कैसे डाउनलोड करना है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको डाउनलोड करना है इस सारी की सारी टूल को। तो सबसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मेगा, यहाँ पे इसका जो लिंक मैं आपको दे दूंगा और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे जैसे, तो उसके बाद यहाँ पे इस तरह से आपको दिखेगा और उसके बाद यहाँ पे आप इधर राइट साइड में देख रहे हैं कि यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ये जो है आपके सिस्टम में जो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये JSM क्रेम में जो है आपका जो है स्पीड ड्रम CPU जो है 9830 और उसके बाद MTK 6581 तक इसमें सपोर्ट है। उसके बाद दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे दूसरे नंबर पे आप यहाँ पे देख रहे हैं, दूसरे नंबर पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से बिल्कुल सेम इसी तरह से जो आपको दिखेगा और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि FRP इसमें जो है सैमसंग का जो FRP आप अनलॉक कर सकते हैं। तो इस टूल को आप जैसे यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे जो आपका ये सिस्टम में जो है डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पे दोस्तों बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको दिखेगा और उसके बाद यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं ये वेल्केनो बॉक्स का जो क्रैक फाइल है, ये इसका टूल है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये सारी सारी टूल डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में, तो मैंने पहले से ही सारी सारी टूल यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है। तो ये सारी कंप्रेसर फाइल इसे हमें इरेज करना होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा एयर पे क्लिक करने के बाद ये सारी सारी फाइल जो है इरेज हो जाएगी। तो इसी तरह सारे फाइल को जो है आपको इरेज करना है एक एक करके। उसके बाद जब ये सारी सारी फाइल इरेज हो जाएगी, उसके बाद आपको जो है अपने सिस्टम का जो एंटीवायरस है उसे आपको डिसेबल कर देना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जो सैमसंग का जो FRP अनलॉक करने का जो टूल है उसे हम आपको इंस्टॉल करके दिखाते हैं कैसे इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फाइल पासवर्ड है, ये पासवर्ड जो है आपको सबसे पहले कॉपी कर लेना होगा, ठीक है। तो चलिए हम इस पासवर्ड को कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हमें ये सेटअप जो है हमें इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में, इसे हमें इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे हमने नेक्स्ट किया, अब यहाँ पे देख रहे हैं पासवर्ड मांग रहा है, इस पासवर्ड को हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है, उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ये टूल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में, तो ये जो सेटअप जो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। और अगर ओपन ना हो तो आप ऐसे यहाँ पे भी FRP पे क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जब ओपन हो जाएगा ये सेटअप, तो उसके बाद आप यहाँ पे सबसे ऊपर में देख रहे हैं यहाँ पे स्कैन पोर्ट, ठीक है। आपको अपने मोबाइल को लगाना है ऑन करके, उसके बाद USB केबल से कनेक्ट कर देना है अपने सिस्टम में और स्कैन करने के बाद यहाँ पे पोर्ट दिखाएगा। उसके बाद डाउनलोडिंग मोड पर आपको क्लिक करना है और जैसे आप डाउनलोडिंग मोड पर क्लिक करेंगे आपका मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली जो है डाउनलोडिंग मोड पर चला जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपने मोबाइल का जो मॉडल नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस मोबाइल का आपको FRP अनलॉक करना है उस मोबाइल का जो है आप जो है मॉडल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और मान के चलिए अगर आपका मोबाइल जो है डाउनलोडिंग मोड पर नहीं जा रहा है ऑटोमेटिकली, तो आप अपने मोबाइल को जो अपने हाथों से जो है वॉल्यूम माइनस और होम बटन और उसके बाद वॉल्यूम पावर की को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका जो डाउनलोडिंग मोड आ जाएगा और उसके बाद आप अपने मोबाइल को यहाँ पे बूट करा सकते हैं।
तो जब आपका मॉडल नंबर सेलेक्ट हो जाए, आपका मोबाइल जब यहाँ पे बूट करे, उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर में आप देख रहे हैं रिमूव एफआरपी पर आपको चेक लगाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे वाले जो ग्रीन वाले बटन है, इसे इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपका एफआरपी जो है रिमूव हो जाएगा। और मान के चलिए अगर आप एफआरपी रिमूव कर रहे हैं तो उसके बाद आपको कोई अगर एरर दे रहा है, किसी तरह का अगर एरर मैसेज आ रहा है आपको, तो आप नीचे वाले जो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दें कि जो रिमूव एफआरपी की जो नीचे यहाँ पे जो है सॉफ्ट ब्रेक फिक्सर, इस पे चेक लगा के आपको यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है, वो जो एरर है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं वेलकनो टूल के बारे में कि वेलकनो टूल को कैसे हमें इंस्टॉल करना है, वेलकनो टूल का जो क्रैक फाइल है उसे हमें कैसे इंस्टॉल करना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कैसे उसे आपको जो है सेटअप करना है। तो दोस्तों, वेलकनो टूल का जो फोल्डर है उसे उस पर आपको क्लिक करना है, सबसे पहले आपको जो सेटअप जो है इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि उसका जो वेलकनो सेटअप का जो वायरल पोर्ट जो सेटअप है उसे कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे उसे सेटअप करना है। उसके बाद वेलकनो का जो वायरल पोर्ट सेटअप है इसे आपको जो है इंस्टॉल करना है, सीरियल पोर्ट, ठीक है, तो इसे आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। और जैसे ये कंप्लीट पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएगा, इंस्टॉल होने के बाद ये आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे जो वायरल पोर्ट जो सेटअप है इसी आ चुका है, इसे हम डबल क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ कई तरह का ऑप्शन है, हमें सिर्फ यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह का आपको ये जो है ये आइकॉन दिखेगा। इस आइकॉन को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये यूएसबी पोर्ट जो है सीएलकॉम जो हमारा यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, और इसे हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो कॉम पोर्ट है इसे हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे एड करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले नीचे में अगर आप मान के चलिए, अगर हमारा जो है मतलब अमेरिका वेलकनो बॉक्स अगर हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा है, हमारा वेलकनो बॉक्स कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो हम यहाँ पे नीचे पे डिलीट कर देंगे इस पोर्ट को। उसके बाद दोबारा फिर से हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, और दोबारा जब हम ऐड करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे देखते हैं आके यहाँ की ऐड हो चुका है, तो उसके बाद हम इसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम अपने वेलकनो टूल्स को ओपन कर लेंगे, और जैसे हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे हमें ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे क्लिक है टू स्टार्ट टू लोडर, ठीक है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद हमारा जो टूल है वेलकनो का वो ओपन हो जाएगा। वेलकनो टूल हमारा अगर ओपन हो जाएगा हमारे सिस्टम में, उसके बाद अगर मान के चलिए जब हम उसको कनेक्ट करेंगे, अगर कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि वायरल यूएसबी सीरियल पोर्ट इसे क्लिक करना है, उसके बाद वहाँ पे जो है यूएसबी पोर्ट उसे डिलीट मारना है, फिर से दोबारा हमें ऐड करना है। मान के चलिए अगर कनेक्ट नहीं होगा तो करना है, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं आपके हमारा जो वेलकनो का जो टूल है वो जो है ओपन हो चुका है, उसे हमें कनेक्ट करके देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो वेलकनो टूल जो है कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे नंबर पे हम जो है जीएसएम फ्लासर के बारे में। जीएसएम फ्लासर को हमें सबसे पहले यहाँ पे इसका जो पासवर्ड है इसे हमें कॉपी कर लेना है अपने, और कॉपी करने के बाद उसके बाद हमें इसका जो सेटअप फाइल है इसे हमें इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो पासवर्ड हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट करना है, उसके बाद हमारा जो सेटअप जो है इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद डेस्कटॉप पे इसका आइकॉन आ जाएगा, इसे यहाँ पे डबल क्लिक करके आप उसे ओपन कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप डबल क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। और जैसे ये ओपन हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सबसे ऊपर में यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे स्कैन पर चेक लगाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है, और कनेक्ट करने के बाद उसके बाद आप अपने जो मोबाइल को यहाँ पे बूट करा सकते हैं, किसी भी प्रोसेसर में आप इसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों ऊपर में आप देख सकते हैं एंड्रॉयड, सैमसंग, नोकिया। तो दोस्तों मैं बता दूं, नोकिया का जितना भी 2016-17 का जितना भी नया मॉडल है वो सारा जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूएसबी और कॉम यहाँ पे दोनों आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे यूएसबी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप मीडियाटेक की बात करते हैं, मीडियाटेक में आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 65-81 तक जो है आप इसे यूज कर सकते हैं, 65-81 तक आप फ्लैशिंग कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्पेड ड्रम की, स्पेड ड्रम में आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 62-26 से लेकर के आप यहाँ पे 98-30 तक जो है आप यहाँ पे फ्लैशिंग कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।